मारपीट भी करत है और मुला बाल खींच के घर से लेते हुए आए और जितना भी वीडियो बना रही सब मोर बच्ची है ओकर मोबाइल ला लगा के डिलीट कर दी सब है और मोबाइल ला जमा करवा थन कह के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल ला मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला ओकर मोबाइल ला लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गे रही तेन है नाम तो मोर नहीं पता काबर की ये मेरे जो नंबर प्लेट रही थे ना नाम प्लेट वो उतार दे हवा जितना भी मोर तिरन बदतमीजी मारपीट करे थे उमर नाम प्लेट ला उतार दे हवा बस मैं उमर ला शकल से पहचानता हूँ एक दो जन के नाम पता है मोला तो मैं ये वीडियो अभी थाना से खल्लारी थाना से भेजत हूँ। ये मोबाइल हम और दूसरा के मोबाइल है मतलब मैं दो मोबाइल चलाता हूँ तब भी मोला इसे कोई परेशानी होते था तो ये मोर मोबाइल लगा ले है दूसरा मोर मोबाइल है तेला में मोर पर्स मेरी से ये वीडियो ला मैं जारी करता हूँ। पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कैसे देख रहे हैं? देखिए जिस तरीके से पुलिस बलपूर्वक हमारी बहन जो रसोई संघ की अध्यक्ष है नीलू ओगरे जी को गिरफ्तार कर लेती है और बहुत ही दयनीय स्थिति में उनको घर से उठाकर उनके बालों को खींचते हुए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए पहले महासमुंद थाना फिर खल्लारी थाना अन्य अन्य थानों में उनको भटकाती है और एक महिला होने के नाते किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये माताएं बहनें जो हैं ये बाकायदा परमिशन लेकर सूचना देकर कि हम तूता में जिस धरना स्थल को बनाया गया है वहां धरना देने के लिए निकले थे लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने इनको रौंदने का काम किया जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमारी बहन नीलू ओगरे को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम लोग इसी तरीके से यहाँ डटे रहेंगे। आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने निकले थे और जब तक हमारी बहन को नहीं छोड़ा जाएगा निश्चित रिहाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे चाहे इसके लिए हमें जेल जाना हो चाहे इसके लिए हमें लाठी खाना हो हम सारे चीज़ों के लिए तैयार हैं। यही है छत्तीसगढ़ प्रदेश थाने में ले जाकर वहाँ पर उनको बाल खींच के बर्बरतापूर्वक उनको पीटा जाता है। ये कैसी निरंकुश सरकार है। ये सरकार अब बहुत जल्द जाने वाली है 2023 में इनका आखिरी समय आ चुका है। ऐसे क्या लग रहा है कोई शंका है? प्रियंका गांधी भी आने वाली है। देखिए प्रियंका गांधी जी कहती हैं मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ रही है। एक बेटी जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए रसोईया संघ की लड़ाई के लिए उनके अधिकार के लिए लड़ती है उनको जेल में ठूस दिया जाता है और उसके बालों को खींच कर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं ये रोते हुए नीलू ओगरे जी का वीडियो है और इस वीडियो में कैसे वो रो रही है बिलख रही है और मांग कर रही है कि मुझे थाने से बाहर निकाला जाए। तो ये ऐसी स्थिति प्रदेश से बन चुकी है कि अब हमारी माताओं बहनों को थाने में जेल में जाकर रोना पड़ रहा है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है यही सरकार है उनके जो सुप्रीमो है प्रियंका गांधी जी बोलती है कि मैं बेटी हूँ मैं लड़ सकती हूँ और एक तरफ बेटी को यहाँ थाने में डाल दिया जाता है गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन माताओं बहनों को यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है। दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल बन चुका है। ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा आज 10 तारीख है और रसोईया संघ के द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति विधिवत मांगी गई थी कलेक्टर रायपुर से और माना तूता में जहाँ आपको पता है कि अगर 100 से कम संख्या है तो बूढ़ा तालाब में मिलता है और अगर ज़्यादा संख्या है तो माना तूता दिया जाता है। हमने भी यही चीज़ किया कि माना तूता में जो पुलिस ने व्यवस्था बना के रखी हम उसी व्यवस्था के तहत ही हम अपने मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए जा रहे थे लेकिन जैसे ही आज सुबह हुआ सुबह 7 बजे से ही पुलिस वाले आते हैं हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है नीलू ओगरे उनके घर पे आते हैं उनके परिवार वाले दहशत में आ जाते हैं कि इतने पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे हैं उस उनको बालों को घसीट के जो है पुलिस की गाड़ी में लेके जाया जाता है उसके बाद अलग अलग थानों में उनको दिन भर घुमाया जाता है ऐसी सूचना हमको मिली है। और उसके बाद से जब से इनको डिटेन करके रखा गया है हमें कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है या नहीं दिया गया बस ये जानकारी मिल रही है कि छोड़ दिया गया लेकिन फ़ोन के द्वारा कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इसलिए हम सभी जो कर्मचारी आए हुए थे ये उनके जब तक रिहाई नहीं हो जाता तब तक हम मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले हैं और यहाँ पर पुलिस बल ने हमको रोक दिया है हम यहाँ पर रुके हुए हैं और जब तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमें नीलू ओगरे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं होती जब तक उनकी पूरी जानकारी नहीं मिलती। देखिए छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं मन के मन के एक समान का एक नारा देते हैं सतनामी समाज से हमारी लीडर आती है आज पूरा सतनामी समाज जो है अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा होगा क्योंकि एक महिला को उसकी बेटी के सामने उसके बाल को खींच के बिना किसी कारण के बताइए अगर वो प्रोटेस्ट करती कर रही होती धरना स्थल पे या कहीं और पे रोड जाम कर रही होती तब की बात अलग होती कि वहाँ पुलिस जो है अपनी बल का प्रयोग करती है जो भी चीज़ है अपने घर में कोई आदमी अगर बैठा है वो भी एक लेडीज़ अगर अपने घर में बैठी है उसको पुलिस इस तरीके से अत्याचार करके ले जाती है तो आज कानून
किस हाथों में है, कानून का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो सबके सामने है। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ।